विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैते गदाधर श्रीवसारी गौरभक्तिवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैते गदाधर श्रीवसारी गौरभक्तिवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे जय निताई गौरंगा 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 जय कृष्ण बले राम 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 जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे
जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय 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 श्रील प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव, 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 जय 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा सभी को। आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो रेस्ट पार्ट बचा था, जितना भी पार्ट बचे थे उन सबको हम करेंगे। लगभग अभी हमने श्लोक नंबर 19 तक कर लिया, 19 तक यानी 19 श्लोक हमने कर लिया था। आज जो बचा है उसके श्लोक लेंगे। यहाँ पे भगवान बताएंगे कि मैं किन किन चीजों में हूँ। यहाँ पे अर्जुन ने कल प्रश्न पूछे थे कि प्रभु अब आप जो भी कह रहे हो मैं जानता हूँ, और जितने भी देवल ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, सभी आपके बारे में वैसा ही कहते हैं। जितने भी शब्द ऋषि हैं सभी आपके बारे में वैसा ही कहते हैं जैसे आप अपने बारे में बता रहे हैं। बस मैं आपके मुख से कुछ प्रमुख प्रमुख चीजों के बारे में सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो मैं समस्त कण में हूँ, हर कण में मेरा वास है, परंतु मैं कुछ प्रमुख चीजों के बारे में तुमको बताऊंगा जहाँ पे मेरा वास रहता है। तो प्रभु वही बताने वाले हैं, वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल है, सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? ऐसा तो नहीं कोई किसी को स्क्रीन विजिबल ना हो, सभी के लिए विजिबल है स्क्रीन? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर 10 चल रहा था, विभूति योग, ठीक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अब आगे हम चलते हैं, श्लोक नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो श्लोक नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं अपने। श्लोक नंबर 20 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछ चुके होते हैं भगवान से कि प्रभु मुझे अपने बारे में बताइए, तो भगवान भी कह चुके होते हैं कि अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ मेरा प्रमुख रूप से वास है। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्च स्थितः, अहम आदिश्च मध्य च भूतानां अन्तेव च। भगवान यहाँ पे श्लोक नंबर 20 में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के हृदय में, उनके दिल में उपस्थित परमात्मा मैं ही हूँ। मैं ही सभी जीवों का उत्पन्न करता हूँ, उनको उत्पन्न करने वाला हूँ, मतलब सभी जीवों का आदि, उनके जन्म देने वाला मैं ही हूँ, उनका मध्य जो जीवन चलता है वो भी मैं ही हूँ, और उनका अंत, उनका जो प्राणांत होता है वो भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जितने भी जीव है सबका स्वामी मैं हूँ, सबके हृदय में, दिल में मैं वास करता हूँ, और जितने भी जीव है सबका आदि, मध्य और अंत, तीनों चीज मैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषा रविर्षुमान मरीचिमर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं ससी। श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। अब भगवान बता रहे हैं मैं किसमें क्या हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्यदेव हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, तथा जितने नक्षत्र हैं उनमें मैं चंद्रमा हूँ। यानी सबसे प्रमुख क्या होता है? चंद्रमा। आदित्यों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? विष्णु ही। प्रकाशों में सबसे ज्यादा प्रकाशमान कौन है? सूर्यदेव। इसी प्रकार से जो चीज सबसे बेस्ट चीज है हर चीज में, वो चीज भगवान कहते हैं मैं। उसी तरीके से मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा भगवान। फिर आगे भगवान कहते हैं, वे
वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां नश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतनः। अब भगवान श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद, सामवेद सबसे प्रमुख वेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं जो कि सबसे ज्यादा चंचल है, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूं यानी चेतना हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वेदों में क्या हूं? सामवेद हूं। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन, इंद्रियों में हमारी मन यानी पांच हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनमें क्या है? मन है। तथा समस्त जीवों में जितने भी जीव हैं उसमें क्या है प्रभु? जीवन शक्ति यानी चेतन, जिसकी वजह से हम होश में है, हमारी जो होश होशावास है, जो चेतनता है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, रुद्राणाम संकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्षरक्षसाम, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरीणामहम्। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। भगवान शिव के 11 रुद्रांश है, तो उसमें से भगवान कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, यानी यक्षों और राक्षसों में जो देव संपत्ति के देवता हैं वो कौन है? कुबेर, वो भगवान कृष्ण है। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु नामक पर्वत, ठीक है। भगवान कहते हैं, रुद्रों में कौन हूँ मैं? शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में मैं कौन हूँ? संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। पशुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी सेनानी नामहं स्कंदः सरसा अस्मि सागरः। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। भगवान कहते हैं, जो पंडित होते हैं या पुरोहित होते हैं, जितने भी पुरोहित हैं पूरे संसार में, उन सब में मुझे बृहस्पति जानो, क्योंकि बृहस्पति इंद्र के गुरु हैं। बृहस्पति कौन है? देवराज इंद्र के गुरु हैं, उनके पुरोहित हैं। तो भगवान कहते हैं, मुझे पुरोहितों में कौन क्या जानो? बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। भगवान कहते हैं, मैं समस्त सेना नायकों में कौन हूँ? कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय एक सर्वश्रेष्ठ सेना नायक है। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, और जितने भी जलाशय हैं छोटे छोटे उनमें कौन है? उन भगवान समुद्र, तो समुद्र सबसे विशाल होता है, सबसे बड़ा होता है, तो भगवान उसी के रूप में। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो, समस्त सेना नायकों में मुझे कार्तिकेय जानो, और समस्त जलाशयों में मुझे क्या जानो? समुद्र जानो। फिर आगे भगवान कहते हैं, महर्षीणां भृगुरहं गीरामस्य मस्यमय कंशरं, यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि, स्थावराणां हिमालयः। अब भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 25 में, हे अर्जुन, मैं महर्षियों में यानी जो महाऋषि हैं उनमें क्या हूँ? ऋषि भृगु हूँ। वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं महर्षियों में क्या हूँ? भृगु हूँ। मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। ओंकार से बड़ा कोई वाणी नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, महर्षियों में मैं ऋषि भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप। यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जप। तो भगवान कहते हैं, यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ मैं, तथा जितने भी समस्त अचल हैं, जितने भी समस्त जो किसी चल नहीं सकते इस पृथ्वी पर, उनमें क्या हूँ मैं? हिमालय हूँ। हिमालय सबसे ऊंचा है और वो चल नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम हूँ, समस्त वाणियों में मैं ओंकार हूँ, और समस्त महर्षियों में मैं कौन हूँ? ऋषि भृगु। फिर आगे भगवान कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। वृक्षों में सबसे उच्च क्या है? अश्वत्थ हूँ मैं। और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। जितने भी देवर्षि लोग हैं उनमें कौन हूँ? मैं नारद। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ जो कि सबसे उत्तम है, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं जितने भी वृक्ष हैं
समस्त वृक्षों में मैं कौन हूँ? अश्वत्थ हूँ। देवर्षियों में मैं कौन हूँ? नारद हूँ। मैं गंधर्वों में कौन हूँ? चित्ररथ हूँ। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। तो चार चीज भगवान करते हैं यहाँ पे। सिद्ध पुरुषों में मैं क्या हूँ? कपिल मुनि हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। और जितने भी वृक्ष हैं समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। फिर आगे भगवान करते हैं, उच्चैश्वस समस्वाणा विद्धि माम मृतो अद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? हे अर्जुन, घोड़ों में मुझे उच्चैश्वा नामक घोड़ा जान जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, घोड़े में मुझे उच्चैश्वा नामक घोड़ा जानो जो कि अमृत जब समुद्र मंथन हो रहा था अमृत निकालने के लिए, तो उस समय उच्चैश्वा नामक घोड़ा प्रकट हुआ था जो कि इंद्रदेव के पास गया था। गजराजों में कौन सबसे प्रमुख कौन है? एरावत है ना, चार सूंड वाला हाथी एरावत। एवं मनुष्यों में भगवान कौन है? राजा है। तो मनुष्यों में भगवान कौन है? राजा है। गजराजों में एरावत है और घोड़ों में उच्चैश्वा नामक घोड़ा। फिर आगे भगवान करते हैं, आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र, इंद्र का जो हथियार है वज्र, भगवान कहते हैं मैं हथियारों में क्या हूँ? मैं हथियारों में वज्र। फिर प्रभु क्या कहते हैं? गायों में सुरभि नामक गाय। गायों में क्या है भगवान? सुरभि। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, जो काम जो शादी के पश्चात जो भी क्रियाएं होती है संतान उत्पत्ति के लिए, धर्मयुक्त संतान उत्पन्न करने के लिए मैं प्रेम का देवता क्या हूँ? कामदेव। तथा सर्पों में मैं नागराज वासुकी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि नामक गाय हूँ, संतान की उत्पत्ति के लिए मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं नागराज वासुकी। फिर आगे भगवान कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यद यादसामहं पित्रे नाम यर्मा चास्मि यमः संयमतामहं। अब श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं, अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत शेष हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं कौन हूँ? जिसके कई फन है ना, कई मुख हैं, ऐसे नागों में मैं कौन हूँ? शेष नाग हूँ, अनंत शेष हूँ। और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। और जितने भी जलचर हैं उनका प्रमुख देवता कौन होता है? वरुण देव। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनेकों फन वाले नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ, और जलचरों में मैं कौन हूँ? वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अरेमा नामक पितर हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ, क्योंकि जो डिसिप्लिन का पालन कराते हैं, जो धर्मराज हैं, वो यम ही हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं अनेकों फन वाले सर्पों में नागराज अनंत नाग शेष हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अरेमा नामक पितर हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में जो नियमों का पालन करवाते हैं उनमें कौन है? भगवान धर्मराज यम यानी मृत्युराज यम है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च परिपक्षिणां। अब भगवान श्लोक नंबर 30 में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान कहते हैं, दैत्यों में जो दैत्य लोग हैं उनमें मैं कौन हूँ? भक्तराज प्रहलाद। दमन करने वालों का मैं काल हूँ, पशुओं में शेर यानी सिंह हूँ, तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, क्योंकि ये सब इनमें श्रेष्ठ हो। पक्षियों में गरुड़, पशुओं में सिंह, दमन करने वालों का काल, और दैत्यों में प्रहलाद। आगे भगवान कहते हैं, पवन भवतामस्मि रामः शस्त्रधृतामहं ईशाणा जशाणा मकरश्चास्मि स्त्रोतस्तामस्मि जाह्नवी। भगवान श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, जो सभी को पवित्र करती है वो मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम,
मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त पवित्र करने वालों में मैं क्या हूँ? वायु। शस्त्र धारियों में, जो शस्त्र को धारण करते हैं, उनमें कौन हूँ मैं? श्री राम हूँ। मछलियों में मगर, मछलियों में सबसे उत्तम कौन है? मगर हूँ मैं। तथा नदियों में मैं गंगा नदी हूँ। भगवान कहते हैं, नदियों में गंगा नदी हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, और समस्त पवित्र करने वालों में मैं कौन हूँ? वायु। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, सर्गा नामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानावादः प्रवदतामहम्। श्लोक नंबर 32 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मैं समस्त सृष्टियों का मध्य हूँ और अंत भी हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। मैं समस्त जितने भी विद्या है उस सबका मैं अध्यात्म, उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म नामक विद्या हूँ, और जितने भी तर्क शास्त्री हैं उनका मैं निर्णायक सत्य हूँ। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, अक्षरानामकारो अस्मि द्वंद्व समासी तस्य च अहमेवाक्षः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूँ। भगवान कहते हैं, सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ, शाश्वत काल भी हूँ मैं सभी समासों में द्वंद समास हूँ और अक्षरों में मैं अकार हूँ। आगे भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहर हर्षाह मुद्भ वश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवार्क च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमः। अब भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 34 में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका भक्षण करूंगा। स्त्रियों में मैं कृति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, घृति हूँ तथा क्षमा हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं मृत्यु हूँ और आगे जितने भी जीव होंगे उनका भी मृत्यु मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति यानी शान, श्री यानी धन, वाक जो कि बोलने की शक्ति है, स्मृति याद रखने की शक्ति, मेधा बुद्धि, घृति तथा क्षमा मैं ही हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 35 में, आगे भगवान कहते हैं, बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदा छंद सामहम मासाना मार्ग शीर्षो अह मृतुनाम कुसुमाकर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं साम वेदों के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। मैं साम वेदों के जो गीत हैं उनमें सबसे उत्तम जो संगीत हो क्या है? बृहत साम संगीत, वो हूँ मैं। और छंदों में मैं क्या हूँ? गायत्री मंत्र। छंद में गायत्री मंत्र सबसे अच्छा लिखा गया है, तो छंदों में क्या हूँ मैं? गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु। भगवान कहते हैं, अर्जुन, समस्त ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन हूँ, समस्त छंदों में मैं गायत्री हूँ, साम वेदों के गीतों में मैं बृहत साम नामक साम गीत हूँ। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 36 में कहते हैं, हे दयुतम छलयता अस्मि तेजस तेजस वी नामहम जयो अस्मि वै वसायो अस्मि सतत्वम सतत्व वतामहम। भगवान श्लोक नंबर 36 में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं छलियों में जुआ हूँ, मैं छलियों में जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ और मैं छलने वालों का मैं जुआ हूँ। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 37 में, वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनि नाम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। अब भगवान श्लोक नंबर 37 में कहते हैं, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन,
मैं वृष्णि वंशियों में कौन हूँ? वासुदेव हूँ, भगवान वृष्णि वंशी थे, उनका वंश वृष्णि था। वृष्णि वंशियों में भगवान कौन है? वासुदेव है। पांडव में कौन है? अर्जुन है। जितने भी समस्त मुनि हैं उनमें वेद व्यास नामक मुनि है, तथा तो महान विचारकों में जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं उसमें कौन है? भगवान कृष्ण। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 38 में क्या कहते हैं? दंडो दम्यता दम्यताम अस्मी तीर अस्मी जिगीषताम मौनम चैवास्मी गुह्याराम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों का मैं ज्ञान हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बुद्धिमानों का ज्ञान हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। वो नीति बनाते हैं किस प्रकार से विजय मिले, और अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं कौन हूँ? दंड हूँ। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततः अर्जुन नाथ दस्ति विना यत्ते सयान मया भूतं चराचरं। अब भगवान कहते हैं, यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितने भी सृष्टि है उन सबको जन्म देने वाला उनका जनक बीज कौन है? मैं हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जो भगवान कृष्ण के बिना रह सके, जो भगवान कहते मेरे बिना रह सके। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 40 में, नान्तो अस्ति अस्ति मम दिव्याना विभूति नाम परंतपः एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विरस्तरो मयः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ भी कहा है, यह तो मेरी अनंत विभूतियों का सिर्फ संकेत मात्र है। ठीक है, फिर भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 41 में, यद यद विभूति विभूति मत स्तत्वम श्रीमद श्रीमतु जीर्तमेव वा तत्त देव देवावगक्ष तम मम तेजो अशम अशम भवम। भगवान कहते हैं, तुम जान लो अर्जुन, सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के इस एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जान लो, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी सौंदर्य है, और जितना भी तेजस्वी सृष्टियां हैं, सब मेरे तेज की एक छोटे से मात्रा से उद्भूत है, उसी से निकली हुई है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर श्लोक नंबर 42 आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ट भया विदम कृतसने मेकाम शेन स्थितो जगत। श्लोक नंबर 42 में भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशाद ज्ञान जो तुम जानना चाहते हो, क्या मतलब है तुमसे? क्या जानना चाहते हो तुम? इसकी क्या आवश्यकता है? मैं तो एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके धारण करता हूँ। मैं एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के सभी देवी देवता लोग भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में। असली मालिक कौन है, या असली मालिक क्या है? क्या ये असली मालिक है? बहुत सारा पैसा, क्या ये हमारे असली मालिक हैं? बताइएगा जरा चैट बॉक्स पे, क्या ये असली मालिक हैं? अच्छा, सभी ने कहा है असली मालिक कृष्ण भगवान है। ठीक है, अच्छा, ये असली मालिक है क्या? बड़ी सी कार होना हमारे पास, क्या ये असली मालिक है? क्या ये असली मालिक है?
अगर हमारे पास बहुत लंबी कार है। क्या भगवान कृष्ण असली मालिक है? इन तीनों में असली मालिक है कौन? कौन है इन तीनों में असली मालिक? क्या पैसा असली मालिक है, कार असली मालिक है, कि भगवान कृष्ण असली मालिक है? तो असली मालिक ना तो पैसा है ना आपका कार है, भगवान कृष्ण ही असली मालिक। ठीक है। अब स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि हमने दो पार्ट में पढ़ा। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। यहाँ पे भगवान ने अपने दिव्य विभूतियों के बारे में बताया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना व्रत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरण भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पे भगवान के अंश के विस्तार का बहुत डिटेल वर्जन में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया है। शुद्ध भक्ति, किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। श्लोक नंबर 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति और पूजा के बारे में स्पष्ट संकेत यहाँ पे मिलता है। शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, अच्छे से हमने कल भी पढ़ा था और आज हमने देखा कि भगवान कृष्ण किस किस चीजों में है, उनके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम कुछ सवाल पूछेंगे आप सबसे, तो 4-5 प्रश्न रहेंगे, उसका आप सब उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्लासेस से संबंधित ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाया हम चाहते हैं कि आप सबको चीजें आए। ठीक है, पहला मेरा सवाल है, बताइएगा कि कल भी सारे सवाल आया था, ठीक, फिर एक बार और पूछता हूं मैं आपसे, एक शुद्ध भक्त क्या है? शुद्ध भक्त हम किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पे भी आया कि शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, तो शुद्ध भक्त है कौन? शुद्ध भक्त हम किसको कहेंगे? कौन है शुद्ध भक्त? कैसे हम पहचानेंगे कि ये शुद्ध भक्त है कि शुद्ध भक्त नहीं? कौन है शुद्ध भक्त? कृपया करके आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए शुद्ध भक्त है कौन, किसको हम शुद्ध भक्त कहेंगे? हु इज शुद्ध भक्त? प्योर डिवोटी किसको हम कहेंगे? सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के काम करे या भगवान को ध्यान में दृष्टि में रखकर जो भगवान के लिए काम करे, भगवान की इंद्रियों को खुश करने के लिए जो काम करे, वह व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाता है। ठीक, चलिए एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग मेरे, कि अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर नंबर 8 में, है ना, चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारी चीजें पढ़ी, वहां पे लिखा था कि जब भी, जैसे हमने कहा था कि जब भी हमें कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, तो हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि हमें किसको गुरु बनाना चाहिए, तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें किसी गुरु स्वीकार करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। मैंने कुछ चीज बताई थी कि गुरु में क्या चीजें होनी चाहिए कि हम उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं, वो चैट बॉक्स में आप लिखिए कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कोई व्यक्ति कि हम उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते, क्या कंडीशन है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो हम किनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो चार परंपरा से आने चाहिए, माधवाचार परंपरा, गौर वैष्णव परंपरा, आपके रामानुजाचार्य परंपरा, ठीक है, जो कि लक्ष्मी जी से जो चले हैं, तीसरे शिव जी से चलने वाले शैव परंपरा, या उनको हम कहते हैं विष्णु स्वामी परंपरा, या चार कुमारों से जो चली हुई परंपरा आ रही है निम्बार्क चार परंपरा,
इन चार परंपरा से जो अभी इस सृष्टि में चल रहे हैं, इस धरती पर चल रहे हैं, ये चार परंपरा से आए हुए व्यक्ति को ही हमें गुरु बनाना चाहिए। वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के करीब हो, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता हो, वह व्यक्ति जो नित्य रूप से भगवान कृष्ण के माला जाप करता हो, वह व्यक्ति जो नित्य रूप से भगवान की भजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु के रूप में अवश्य स्वीकार करना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है, जो भगवान की हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, तो इसमें एक जैसे शुद्ध भक्त होने के कारण, जो शुद्ध भक्त जब हम बात करते हैं तो शुद्ध भक्त यानी जो बिना फल की इच्छा के काम करता है, राइट। तो जो बिना फल की इच्छा के काम करता है उसको हम कहते हैं शुद्ध भक्त, ठीक। तो एक शुद्ध भक्त बनने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान के लिए जो भी हम कर्म करें वो एक शुद्ध भक्ति कहलाती है। लेकिन ऑब्वियस बात है, अभी हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो है कुछ ना कुछ इच्छा, फल की इच्छा लेकर कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर आपको, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको एक शुद्ध भक्ति की ओर जाना है, ठीक है, आपको अगर शुद्ध भक्ति की ओर जाना है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना गुरु के हरी सत्संग मिलता नहीं है। हरी सत्संग बहुत जरूरी होता है गुरु के, गुरु होना बहुत जरूरी है हरी मिलने के। तो यहाँ पे मेरा सवाल है कि शुद्ध भक्ति, अगर आप लोग, आप सभी लोग ऑब्वियस बात है सभी की इच्छा होती है कि हमें एक शुद्ध भक्त बने, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं कि क्या अभी कोई ऐसा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो कह सकता है कि हाँ मैं शुद्ध भक्त हूँ या मैं भगवान को अर्पण करके सारे काम करता हूँ, कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा चैट बॉक्स में लिख सकता है, या कोई है यहाँ पे जो कह सकता है कि हाँ मैं शुद्ध भक्त कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं सारी चीजों को फॉलो करता हूँ, कोई हो यहाँ पे? बिल्कुल, हम सब प्रयास कर सकते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन प्रयास कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब हमें गुरु दीक्षा मिलेगी, हम सब जब गुरु के शरण में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण अवश्य होगा। और जिस दिन हम गुरु शरण में जाएंगे तो अवश्य बात है कि हम एक शुद्ध भक्त बनने की ओर कदम अवश्य रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी हमने इस अध्याय में पढ़ा भगवान के अनेक अनेक रूपों के बारे में, भगवान किस किस चीजों में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा आप सबको कि अभी हम कल पढ़ेंगे अभी कि भगवान के जो विराट स्वरूप के दर्शन भगवान कराएंगे, तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरा है कि अर्जुन, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जैसे एक प्रश्न यहाँ पे आया था श्लोक नंबर 18 में कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप ही मेरे को बता रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, और जैसे ऋषि मुनि ने बताया है, देवर्षि नारद भी गान करते हैं आपके महिमा का वो भी मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपके मुख से दोबारा सुनना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा? अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को बताया उसको विश्वास होना चाहिए था, तो फिर अर्जुन ने दोबारा ऐसा क्यों पूछा भगवान से कि प्रभु मेरे को आप एक बार और बताइए? इसका कल मैं एक उत्तर भी बताया था, तो इसका आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये क्यों पूछा था दोबारा कि प्रभु एक बार और अपने बारे में बताइए, क्या उत्तर है उसका? और कोई पूजा माता जी के अलावा और कोई जवाब दे सकता है क्यों अर्जुन ने दोबारा पूछा कि प्रभु मुझे एक और बार बताइए? पूजा माता जी के अलावा कोई और आंसर? चलिए मैं बता देता हूँ, वहां पे अर्जुन ने इसलिए पूछा था कि अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं जब भी आपके बारे में सुनता हूँ, जब भी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और आप बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा अंग अंग रोमांचित हो जाता है, मैं बार बार इस फल को चखना चाहता हूँ, मैं बार बार इस चीज को सुनना चाहता हूँ, तो कृपा करके प्रभु एक बार और इसको एक्सप्लेन कीजिए, एक बार और इसको बताइए, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं इस फल को आप जो बता रहे हैं अपने बारे में, इस चीज को बार बार मैं इसको सुनना चाहता हूँ,
तो एक बार और इसको रिपीट कीजिए। एंड सेकंड थिंग, हाँ हम सबके लिए उन्होंने कहा कि कम से कम सब लोग जाने भगवान किन किन चीजों में है, प्रमुख चीजों में है। वैसे तो भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान किन किन प्रमुख चीजों में है उसके बारे में भगवान से एक बार और सुनने की इच्छा अर्जुन की हुई थी, इसलिए अर्जुन ने कहा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। अब आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो आप सब इस अध्याय से संबंधित या पिछले अध्याय से संबंधित, तो आप लोग एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप लोग या तो हैंड रेस कर लीजिए या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखिए, एक एक करके मैं सबको अनम्यूट करूंगा। कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप लोग चैट बॉक्स में एक एक करके प्रश्न लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं आज। माता जी, जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उस समय समय भी रुक गया था और भगवान की गीता का ज्ञान सुन रहा था। भगवान ने अपनी माया से सभी को मतलब कि एक पाषाण की मूर्ति बना दी थी। सभी लोग वहीं पे उपस्थित थे, लेकिन भगवान और अर्जुन के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। सभी लोग वहां पे बस स्थिर खड़े थे, किसी को कुछ मालूम नहीं चल रहा था। जैसे कोई स्टेचू खड़ा होता है ना, वैसे ही सब लोग एक मूर्ति की तरह खड़े थे भगवान की माया से। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच संवाद हो रहा था और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे थे। और उसके अलावा संजय, जिनको जैसे मैंने बताया था वेद व्यास जी के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि मिली थी तो वे देख पा रहे थे, और एक और पात्र था ठीक है बर्बरी, वो भी इस चीज को देख पा रहा था। उसकी भी एक कहानी है जिसको आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। वही पहले बर्बरी थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि उनके पास 3 वाण थे, वो एक वाण से पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो कुछ कारण से कुछ भगवान कृष्ण ने जो है उनको उनका वध किया, लेकिन फिर उनकी इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध देखे तो उनको एक जगह स्थापित कर दिया और अंत में उनको अपना नाम प्रदान किया। तो यहाँ पे खाटू श्याम बाबा जो कि बड़बड़ी के, इन्होंने संजय ने और अर्जुन और कृष्ण ने कृष्ण भगवान ने ही ये संवाद किया था, और जितने भी लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे सभी के सभी पाषाण की मूर्ति थी, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तो सभी लोग वहां पे स्थिर खड़े। जी माता, बिल्कुल बिल्कुल, 4 जन सुन रहे थे और संजय जो है जो भी सुन रहा था वो चीज धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या कोई आप लोग चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये सेशन एंड करता हूँ, क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो और तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सभी लोग क्विज करते रहिएगा, आज चैप्टर 10 समाप्त हो गया है, तो 10 चैप्टर समाप्त होने के बाद आप क्विज करते रहिए। चैप्टर 10 तक आप क्विज कंप्लीट कर लीजिए, है ना। फिर अभी 8 चैप्टर और बचे हैं, कल हम 11 चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे, फिर 11 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भगवान अपने दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे, तो वो चीज हम अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। सभी लोग प्रॉपर टाइम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आप लोग क्विज करते रहिए, बहुत सारी अच्छी चीज आप समझते जाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पेंड करता हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्ण सभी, हरे कृष्ण।